one year back we had uploaded a video on our own Vimeo channel and अभी हमने क्या किया है जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज हुई है हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से सो अभी आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो व्हाट यू विल सी इज दैट कृति वाज अपडेटेड और वाज रिलीज्ड ऑन आवर चैनल वन ईयर बैक व्हिच इज नॉट ट्रू बट दैट्स हाउ यू कैन मैनिपुलेट एंड समबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड क्लेम दैट द फिल्म हैज कम बिफोर आवर फिल्म मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे कि वो किसी की नकल है और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं क्योंकि फराह खान की यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में ईद का ईद की पार्टी ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के और मैं और शिरीष बात कर रहे थे उससे तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार कब अभी मेरे दिमाग में कुछ और अभी आ नहीं रहा है तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो तो उन्होंने कहा एक मिनट मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ तो कोई भी आदमी मतलब हम लोग की बातें इस तरह से चल रही थी वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं नीच चीज़ें हैं उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं शिरीष उसके लिए नहीं जाने जाते शिरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस विद हिम तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मैं मेरी तरफ से शुरू हुई मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं यहाँ तक ही नहीं ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है हमारे उस काम के लिए जिसके जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है में से लेकर के व्यूअरशिप हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है उसके प्रिपरेशन में उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया था इतना सब करने के बाद हम आते हैं उसके बाद अचानक से ट्विटर पर देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया और उसमें कई तरीके के इल्जाम दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे शिरीष की तरफ आने लगे आई वॉज फीलिंग बैड फॉर शिरीष फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ही वॉज बींग विक्टिमाइज बाई समबडी अटरली एम्बिशियस क्रूक एंड हाउ इज अ क्रूक यू विल नो वंस यू सी द डेमो व्हाट इज इट और हम और हमारे बहुत ही मतलब द मीडिया हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया बहुत सपोर्ट किया था लेकिन यहाँ भी कहूँगा कि थोड़े से आप लोग बट गए जब पूरा मसला आया क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी यूट्यूब से कृति को हटा दिया है ना लेकिन आपने फैक्ट फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है देयर वाज नो दिस ही सो बिकॉज दिस गाय ही इज उनका उनका आप बायो जाके पढ़िए वो मैरिज वीडियो बनाते हैं और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स गला फाड़ फाड़ के सच समझा रहे हैं कोई नहीं सुन रहा कोई हमारी बात सुन रहा है कोई मैरिज वीडियो जो बनाता है उसकी बात सुन रहे हैं सब लोग कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा एक एक गरीब का कार्ड खेला गरीब होने का कार्ड खेला उसने और हम सब लोग जो है बहुत सारे हमारे लोग ही उसको उसकी तरफ हो गए हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है
वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, तो जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? Nobody is asking me कि मनोज जी क्या ये नकल है? अरे भाई हमारी चर्च, अरे तो आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया। अब मुझे बताने के लिए क्या, बताने के लिए आपके पास आए? सारा स्कैम सामने है आपके। कि कोई भी आदमी कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने दो साल पहले बनाया था? तो आज हम कहां पहुंचे हैं? आज हम इस वहां पहुंचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है, लेकिन हमारी मूवीज यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपए होते या 70 लाख होते, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, वहां से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने जो भी पैसा लगा movies.com का, एक पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे? नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फी है, वहाँ पे भी आप फ्री देख सकते हैं। तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ। एक तो घर से बनाए, हम चले थे हम लोग अपनी अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके, उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। कृति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कृति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मजा दे करके, और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में। और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके सामने हम अपनी पोजिशन और भी क्लियर करने आए हैं, हम तो लगातार किए जा रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे। तो हम कम्प्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज़ में। हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया। हमने अपनी फिल्म बनाई थी, एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था उठ करके उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सामने सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया। भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए,